సంజయ్ సార్ తమాం ముస్లిం భాయికు రంజాన్ మహీనే కా ముబారక్. ఇస్ రంజాన్ మహీనే మే ఆప్ సబ్ దిన్ పూరా రోజా కర్కే షామే ఇఫ్తార్ ముజే బులాయా గయా సా ఔర్ ఇస్ ఇఫ్తార్ మే ఆజ్ షామిల్ హో సా పూరే బుజుర్గో కో హమారా టిఆర్ఎస్ లీడర్స్ కో నౌజవాన్ కో సబ్ కో సలాం. ఈ తెలంగాణ రియాసత్ బన్నేకే బాద్ తెలంగాణ సర్కార్ ఆనేకే బాద్ అప్నా కేసీఆర్ సాహబ్ ఏక్ అచ్చా మాహోల్ బనాకే రఖా హై హిందూ ముస్లిం సబ్ మిల్కే రహనా ఔర్ ఈ తెలంగాణకే తహజీబ్ జో హై ఉస్కో ఔర్ ఉన్నతి దేనా ఔర్ ఊంచా కర్నా బోల్కే ఈ ఏక్ అచ్చా ఇఫ్తార్ పార్టీకే తరఫ్ సే
और सरकार के तरफ से भी कर रहे हैं। आज ये हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति का यूथ विंग की तरफ से आज ये इफ्तार दिया जा रहा है, इसमें शामिल है आप सबको भी सलाम। जगत्याल में खासकर मुसलमान भाइयाँ और बुजुर्ग नौजवान सब हर एक मजहब मिलजुल के रह रहे हैं, अपन सब मिलजुल के रह के ये जगत्याल को ये जिला हो गए, इसमें और आगे बढ़ने के लिए और यहाँ के बिजनेस बढ़ने के लिए यहाँ एक अच्छा शांति रखने के लिए अपन पूरा कोशिश करेंगे। आप सब भी रोज़ा रह के अल्लाह से दुआ करिए, तेलंगाना रियासत अच्छा रहिए और अपने जगत्याल के आसपास भी अच्छा बारिश है गिरना, सुख शांति से रहना, सबका सेहत अच्छा रहना, ये सबके लिए आप दुआ करिए। ये रमज़ान के महीने में आप जो दुआ करते हैं अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। तेलंगाना नंबर वन ये देश में हुआ, KCR साहब तेलंगाना को नंबर वन रख के आप देश की तरफ भी देख रहे हैं, अब रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। जैसा KCR साहब फेडरल फ्रंट ये रीजनल पार्टी से नंबर वन बोले परसों के कर्नाटका में भी JDS के जो अपना KCR साहब सपोर्ट करे वही चीफ मिनिस्टर बन गए। कल के इलेक्शंस में भी पूरी तरह से रीजनल पार्टी से ज़्यादा सीट जीते, तो ज़रूर KCR साहब एक देश का नेता बनने वाला है, आप दुआ करना। और जैसा ये तेलंगाना को नंबर वन बनाए इस देश में भी एक अच्छा माहौल बनाने का ज़रूरत है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहना है, इस हिंदुस्तान भी दुनिया में नंबर वन स्टेट होना। अब देख रहे हैं किसानों में बहुत अच्छा खुशी से, और किसानों में मुसलमान जो रहता है वो लोग भी हम जगत्याल के आसपास गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग के लिए हम ट्रैक्टर दिया है सब्सिडी में, और ये रहित समन्वय समिति में भी हम तीन गांव में रायकल चलगल और लच्चकपेट में मुसलमान भाइयों जो खेती करते हैं वो लोगों को रहित समन्वय समिति के प्रेसिडेंट बनाए पहले, वैसा इस हर एक इसमें बताए। आज बिजनेस में रहते हैं, यहाँ आम का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है और मैंगो मार्केट भी बहुत बड़ा है, उसमें मुसलमान बहुत व्यापारी है। यहाँ के मार्केट का उनके वाइस चेयरमैन भी हमारा मुस्लिम से भाई सबको बनाया, ज़रूर जगत्याल में ये तालीम के अच्छा देखे मैरिटिक स्कूल्स बच्चों का है, लड़कियों के भी है, क्योंकि एक स्कूल में अब 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो तालीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है KCR साहब। और ये 12% रिजर्वेशन के बारे में अब सबको मालूम, अपना MP गौता बहन और 12 MPs भी पार्लियामेंट के सामने हर एक दिन 15 दिन वो 12% रिजर्वेशन के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अपने असेंबली में भी ये बिल पास करके भेजा है। ज़रूर यहाँ के मसादियों को अब जैसा है हर एक रमज़ान में 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार दे रहा है, खेड़े गाँव में जो मसादियाँ हैं अलीपुर आने दो अलीपुर में नहीं लक्ष्मीपुर जापतापुर चलगल उलास रायकल तुम्बूर आलूर मूटापल्ली इजगल ऐसा खेड़े खेड़े गांव में एक एक गांव में 10-10 लाख रुपए तक अपन पैसे दिए मसादियों को, असुरखाना और खबरस्तानों को, रायकल में ईदगाह को भी 10 लाख रुपए सैंक्शन दिया गया। ये पहली बार इतना पैसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, पहली बार है। अब तक 50-60 साल से सियासत कर रहे हैं, यहाँ हुकूमत चला रहे, कोई भी 15 लाख भी नहीं दिए, हम अब तक ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा दिया। और सरकार के तरफ से बड़ा पैमाने से इफ्तार भी दिए जाने वाले हैं, और गरीब लोगों के लिए भी गिफ्ट्स भी दे रहे, कपड़े खाने के लिए वो सब दे रहे। ये सब एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा माहौल बना के रखना, हर एक आदमी खुश रहना। जब बदकम्मा में बदकम्मा का साड़ी ऐसे भर के आप सबके मदद ऐसे रहना जरूर ये काम, और आगे भी करते जाएंगे, पूरे देश में ऐसा काम होने के लिए आप दुआ करिए, KCR साहब को ताकत दीजिए, उनके मदद से हम सब भी यहाँ के जगत्याल को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। Thank you.